मैं जोगिंदर गुप्ता सुंदरबनी शहर का निवासी होने के कारण सभी शहरवासियों से और जो बाहर के लोग जहां पर सुंदरबनी में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह लोग मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो प्रशासन ने हमें थोड़ी सी ढील दी है कि सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ऑड इवन नंबर में दुकानें खुलेंगी, उन दुकानों का पूरा प्रशासन का सहयोग करें और पूरा पालन करें कि जिससे कि हम इस कोरोना महामारी से निजात पा सकें। कोरोना महामारी अभी गई नहीं है लेकिन हमें उसकी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है कि लोग जो प्रशासन की तरफ से हिदायतें दी गई हैं उसका पालन करें और उसको फॉलो करें, इसी कारण से हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। फिर मैं एक बार यही कहूँगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया है कि 2 गज की जरूरी और मास्क है जरूरी, और इसका पालन हमें सब लोगों को करना चाहिए और इसी के कारण हम इस कोरोना महामारी से निजात पा सकते हैं। और वैक्सीनेशन जो हो रही है उसका भी सभी लोग अवेयरनेस लोगों में करें और पालन करें कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, 18 से 45 साल और 45 से ऊपर जितने भी एज के लोग हैं वह सभी जरूर टीकाकरण जरूर करवाएं। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है और मैं व्यापार मंडल सुंदरबनी का सदस्य हूं और अपनी भी किराने की दुकान है। तो यहां पे जो कोरोना काल चला पिछले दिनों अभी चल रहा है तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक हम लोगों ने काम किया, अब जो हमें दुकानें 1 महीना 40 दिन बंद भी रही, पूरा सहयोग रहा व्यापारियों की ओर से और लोगों की ओर से, तो अब थोड़ी रिलैक्सेशन की जो बात आई है ऑड इवन का जो जहाँ पे चल रहा है, तो पहले तो टाइम था हमारा 7 से 10 बजे तक, अब जो टाइम सरकार ने दिया है हमें 7 से 4 बजे तक, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे तो हमें चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बाज़ार को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, उसके कारण रश कम पड़ेगा, ग्राहक जो है वो सभी दुकानों पर बैठेंगे, नहीं तो आधी दुकानें खुलती हैं तो आधी पे जाते हैं तो उससे थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है। अगर सभी दुकानदारों को मौका देंगे तो उसके कारण ये कि दुकान जो ग्राहक है वो डिवाइड हो जाएगा, उसके कारण रश कम पड़ेगा। तो बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी हम उसके साथ हैं, हमारा इसमें कोई ये लेना देना नहीं है कि हम अपनी कोई इच्छा जाहिर करें, लेकिन अगर सरकार जो भी करेगी हम सरकार के साथ हैं और हम व्यापारियों की तरफ से भी सरकार को पूरा सहयोग रहेगा, हमारा पूरा साथ रहेगा। यहाँ भी हम हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के उनके साथ रहेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। जय हिंद।